तो हुआ गया था, इस बंदे ने बोला कि मैच देखने चलते हैं मुल्तान में, काफ़ी टाइम बाद मैच हो रहा है और साथ है मैच देखने चलते हैं। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। और मुल्तान में तीन मैच होने थे, हमने दरमियान वाले मैच का फाइनल किया जो कि जुमे को होना था, फ्राइडे को। टिकट्स ली मैंने और उसके बाद हम पहुंचे स्टेडियम, मैच था 3 बजे। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 2 बज रहे हैं और आज है मैच मुल्तान का और कराची का। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ मुल्तान ये मैच देखने, तो आई एम विद साद मलिक, जैफा और ये साद मज़ैफ़ा का दोस्त। और इस वक्त मैं सपोर्ट कर रहा हूँ मुल्तान को शाहिद अफरीदी की वजह से, और साद सपोर्ट कर रहे हैं मुल्तान को। जैफा मुल्तान, अकील भाई मुल्तान, और बाबर आजम। लेकिन यार बाबर आजम की वजह से मेरा था थोड़ा बहुत कि मैं कराची को सपोर्ट को लेके यार करना पड़ता है। और उसके अलावा मैच बता कौन जीतेगा? मुल्तान सुल्तान ऑब्वियसली ब्रो, इंशाल्लाह। और टॉस मुल्तान, मुल्तान सारा कुछ मुल्तान ने करना है। मैच था 3 बजे और हमने वहाँ पे पहुँचना था। हम यहाँ से निकले तकरीबन 11 बजे करीब, हम यहाँ से निकले, नहीं 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 हम यहाँ से निकले 12 बजे के करीब। तो 12 बजे हम यहाँ से रवाना हुए, तो तकरीबन 2 बजे के करीब हम वहाँ पे स्टेडियम की पार्किंग में पहुँच के, हमने कहा चलो घंटा है हो लेते हैं ठीक है। वहाँ से फिर पार्किंग में पहुँचे तो देखा इतना रश, बहुत ज़्यादा पार्किंग में गाड़ियाँ वगैरह थी ये वो। तो ये वाला स्टेडियम जो है ना, ये शहर से बाहर है, मतलब विहाड़ी रोड है ना उसके ऊपर स्टेडियम है। पुराना स्टेडियम जो था, जो शाहरुख ने आलम के मज़ार के साथ वाला है, वो वाला ख़त्म हो चुका है पता नहीं किस वजह से, क्योंकि जाहिर बात है शहर के अंदर आ चुका है इसलिए। तो ये वाला स्टेडियम बाहर है, तो वहाँ पे मैच हुआ। तो 2 बजे हम वहाँ पर पहुँचे, हमने कहा 1 घंटा चलो एंट्री हो जाएगी। वहाँ पर इतनी सख्त सिक्योरिटी थी, इतनी सख्त लगी कि हमें वहाँ पर सिक्योरिटी और उसके बाद फिर रश इतना ज़्यादा था, मेन चीज़ जो थी वो रश इतना ज़्यादा था कि हमें स्टेडियम के अंदर एंटर होते होते मैं बताऊँ 4 बज गए थे। जब मैं अंदर जाके बैठा तब 4 बज चुके थे। मैच का टाइम था 3 बजे और इस वक्त 3:15 हो गया और मैच स्टेडियम के बाहर ठहरे, तकरीबन मेरे ख्याल से 5 ओवर गुजर चुके हैं। सारा इसी का कसूर है, इसका कसूर है, इसको नाश्ते करने हैं, इसको पता नहीं क्या क्या करना है। सुने मैंने कुछ भी नहीं किया। और लेकिन एक बात जो अच्छी बात है वो ये है कि ना इस वक्त बाबर आजम की बैटिंग चल रही है, ना इस वक्त बम बम की, ना इस वक्त अफरीदी की बैटिंग चल रही है होपफुली, और अभी अच्छा स्टार्ट मिलेगा आई होप। किसकी बैटिंग है? मुल्तान की। और कौन खेल रहा है? मुल्तान खेल रहा है और कौन खेलेगा? ओपनर्स हैं वो खेलेंगे। इस वक्त तकरीबन 4 बज चुके हैं और इस वक्त हमारी स्टेडियम में एंट्री हुई है काफ़ी देर बाद, और अब यहाँ पे मतलब स्कोर जो है 13 ओवर गुजर चुके हैं, अभी एंट्री हुई है। रात को ही मैंने सोच लिया था कि मैं अपना ये वाला लेंस नहीं लेके जाऊँगा, मैं ये वाला किट लेंस लेके गया था क्योंकि उसके ऊपर लिखा होता नो कैमराज अलाउड, पता नहीं इस तरह कुछ था कि कैमरा शैमरा अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा कि ये वाला लेंस जो है ये छोटा सा है और ये कैमरा भी छोटा सा, तो ईजिली पॉकेट में आ जाता है। ये वाला लेंस एक तो बड़ा लेंस होने का एक नुकसान ही है कि लोग समझते पता नहीं क्या उठा के आ गए हैं, कोई कमर्शियल बना रहे हैं पता नहीं क्या कुछ, ये वो तो सीधा सीधा मना करते हैं भाई आपने नहीं आना। इसलिए मैंने कहा छोड़ो भाई, इस सबसे अच्छा है कि दूर ही रहो इनसे, और बाकी सारी चीज़ें वगैरह मैं लेके गया ना, कोई और कैमरा शैमरा कुछ भी नहीं, बस सिर्फ एक ये कैमरा और किट लेंस लेके गया बस। इस बंदे ने कहा इस बॉल पे छक्का है, चौका इस बॉल पे, इसके प्रेडिक्शन मेरी है कि कुछ नहीं।
सपोर्ट कर रहे हैं आप? जी मुल्तान सुल्तान को। फेवरेट बंदा कौन सा? शाहिद अफरीदी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये जरा साथ है इससे पूछो। आप किसको कर रहे हैं? शाहिद अफरीदी को। इधर सारे के सारे मुल्तान के सपोर्टर हैं, कराची का या किसी और टीम का कोई भी सपोर्टर नहीं, सारे अफरीदी के पीछे हैं। ये सारा शोर अफरीदी के लिए। मेरा जो प्रेडिक्शन है टारगेट हुआ है तकरीबन 187-190 के करीब। अपने बताओ। 194। तू बताओ कितना स्कोर बनेगा? 195। मेरा 187-188 तक। लेट्स सी लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। छक्का। यही बोला था मैंने कि 187-188 ये करीब होगा। सबसे नियरेस्ट मेरा था 186। आई वॉन। और मैच जो था वो था मुल्तान और कराची का। तो मैं बेसिकली क्योंकि मुल्तान मेरे करीब है यहाँ से, तो मैं मुल्तान का ही सपोर्टर था। तो वहाँ पे जाके मेरा थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया। मैंने कहा बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं, मतलब कराची को सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा मैंने कराची को सपोर्ट किया। बाबर आजम और शर्जील खान इस वक्त ओपनिंग पे हैं। लेवल यार, लेवल। शर्जील खान पहली बॉल से दूसरी बॉल पे चौका। मैं इस वक्त एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ मैच का के या तो ये बहुत ही वन साइडेड मैच हो, कराची इजीली जीत जाए, या फिर बहुत ज़्यादा थ्रिलर मैच हो, एंड पे फंस जाए मैच। ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक नॉर्मल मैच नहीं होना चाहिए। मेरे से थोड़ा थोड़ा मूड करें, मैं टीम चेंज कर लूँ। करेगा चेंज? टीम चेंज करेगा टीम कराची की तरफ? यार या तो मैच फंसे या फिर बहुत इजीली कराची जीते, छक्के चौके फुल टाइम लगे, टोटल तो लगे थे, या फंसे। नॉर्मल मैच की तरह हो गया, फिर कोई फायदा नहीं है। बाबर आजम की बैटिंग आ गई। बाबर आजम, दिस इज व्हाट आई पेड फॉर। पहले तो बाबर आजम को लाइव जिंदा देख लिया मैंने, पैसे हलाल हो गए बिल्कुल। क्लास है यार बाबर आजम की, क्लास यार इसी बात पर। मैं अकेला बंदा जो कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ शायद इधर पूरे स्टेडियम में, और कोई बंदा मुझे नहीं लग रहा कि जो कराची को सपोर्ट कर रहा हूँ। बुलाओ भाई। जबर इस बंदे के मुंह पे जूम आ रहा है, बहुत चिढ़ता है। इस वक्त मेरे दुख का कोई ठिकाना नहीं है। बाबर आजम आउट, 54 पे दो आउट। ज़्यादा मुझे लग रहा है मैच फंस जाएगा। मैच फंस जाएगा, फंस जाएगा मैच, इजीली फंस जाएगा। स्क्रीन लगाइए देखने के लिए, वहाँ उसके सामने जाके तीन आउट हो गए हैं। अब कराची के हालात भी पूरे सो रही हैं, मुश्किल हो गया काफी। चार आउट हो गया 68 रन। छः आउट हो चुके हैं, 87 रन हैं, 54 बॉल्स पे 100 चाहिए। तो कराची के जीतने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस बंदे की वजह से। और वापस मुल्तान की तरफ स्विच अभी तो नहीं कर रहा,
लेकिन जो भी जीते आखिरी बात वही है, तुम जीतो यार, हमें तुमसे प्यार है। किसको सपोर्ट कर रहे हो? मुल्तान। मुल्तान सारे मुल्तान के? यस। मैं कराची वालों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इनके साथ गलत हरकत होती है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताऊँगा, मैं गलत हरकतें होती हैं यहाँ पे। मुल्तान वाले लोग अच्छे नहीं हैं, बहुत गलत करते हैं। लेकिन जब कराची हारने वाला हो गया था तो मैं वापस आ गया था मुल्तान पे, क्योंकि शाहिद अफरीदी की वजह से। मतलब मेन रीज़न जो थी ना मेरी मैच देखने की, मैच देखने जाने की, वो यही थी कि शाहिद अफरीदी और बाबर आजम को वहाँ पे मतलब खेलते देखना मैंने, और दोनों ने ही अच्छी बैटिंग नहीं की, जो कि थोड़ा सा सैड बात थी। लेकिन अफरीदी की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 3 विकेट्स लीं, तो मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ इन दोनों से। मतलब मैंने दोनों को पहली दफ़ा ज़िंदा देखा है, मैंने दोनों को मतलब हकीकत में देखा इन दोनों को, तो मेरे वहाँ जाने के पैसे हलाल हो गए। और मैं आपको वहाँ के क्राउड के बारे में बताऊँ, या इतना रश था वहाँ पे, इतना रश था स्टेडियम, एक तो फुल था और ऊपर से क्राउड आम जिस तरह होता है ना बाकी क्राउड की तरह, ठीक है अच्छा चलो चौका हो गया ठीक है, उस टाइप का था बिल्कुल, इतना ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक मुखी कहाँ से आ गई है। और उसके बाद फिर मैच ख़त्म हुआ, मुल्तान सुल्तान वॉन बाय 52 रन्स, ओह माई गॉड। और अभी भी मुल्तान आज की डेट में, अभी तक आज की डेट है 3 मार्च 2020, अभी तक मुल्तान टेबल पे नंबर 1 पे है। होप कि ये कंटिन्यू करे, और इस दफ़ा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मुल्तान जीत जाए, कुछ भी हो सकता है मुझे कुछ नहीं पता, तो लेकिन मुझे लगता है और मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा मुल्तान जीते बिकॉज ऑफ शाहिद अफरीदी। बाकी सारा कुछ ठीक था यहाँ पे, लेकिन ये जो है ना गंद जगह जगह पे ये ठीक नहीं है, बहुत गंद, लोगों ने इसको फाड़ फूड़ के फेंके हैं सारा, ये गलत चीज़ है, सारे प्लास्टिक बॉटल्स ये वो, तो ये अच्छा नहीं था बिल्कुल भी। तो जैसे ही मैच खत्म हुआ ग्राउंड से लेकर जब पार्किंग पहुँचे ना, जैसे ही गाड़ी में बैठे फौरन बारिश स्टार्ट हो गई। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन अल्लाह हाफिज़।